गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। बोले गणेश देवता की। आज का ये ऐतिहासिक क्षण जब पूरा देश दुनिया अपने आराध्य देव विघ्न विनाशक गणपति जी का आज गणेश चतुर्थी मना रहा है, और ऐसे समय में आज रायपुर की इस पावन धरा, रायगढ़ के पावन धरा और ऐतिहासिक विरासत को जिन्होंने संजो के रखा है, ऐसे स्थान में आज कला के साधक, कला के प्रेमी और कला और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया में जिन्होंने पहुंचाया, महाराजा चक्रधर, स्वर्गीय महाराजा चक्रधर जी के याद में ये समारोह हर साल होता है, और ये समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए और यहां कहीं बेटा इस क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे जनप्रिय नेता, सबके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री बिसुनदेव साय जी हैं, जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करिए। आपके ही बेटा, आपके ही भाई, आपके ही मित्र, ऐसे सबके प्रिय, सबके लाडले, जिन्होंने आप लोगों ने सर आंखों पे जिन्होंने बैठाया, ऐसे सबके प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार के खजाना के मालिक, पूरे खजाने की चाबी उन्हीं के पास है, तो ऐसे लोकप्रिय नेता जो प्रशासनिक सेवा को त्याग करके जनसेवा का माध्यम उन्होंने ये राजनीति के क्षेत्र को चुना, ऐसे यहां के लाडले नेता ओपी चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां। यहां पर उपस्थित हैं सबके प्रिय आदरणीय हमारे यहां के सांसद भाई राधेश्याम राठिया जी, और इस समारोह के जिनके याद में हम सब करते हैं, हर साल ये समारोह आयोजित होता है, ऐसे राजघराने से ही ताल्लुक नहीं बल्कि उनकी वारिस को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयत्नशील रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने इस राजघराने का सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस परिवार के और भी कैसे हम प्रतिष्ठा दे सकें, इसके लिए उनके ही वारिस आदरणीय कुंवर देवेंद्र प्रताप जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, जोरदार ताली से स्वागत हम करते हैं। आज यहां पर उपस्थित हैं महापौर श्रीमती जानकी काडजू जी और निराकर पटेल जी, महादेव कावरे जी कमिश्नर साहब, संजीव शुक्ला जी हमारे आई जी, और यहां के बड़े ही कर्मठ जुझारू और बड़ा क्रिएटिव सोच लेकर के यहां का हर क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने का अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ करके जिन्होंने एक से एक निर्णय लिया है, ऐसे कलेक्टर यहां कार्तिकेय गोयल जी, हमारे एसपी बहुत ही सक्रिय हमारे दिव्यांग पटेल जी, राजकुमार भारद्वाज जी, हमारे विजय अग्रवाल जी पूर्व विधायक साथी हैं, गुरुपाल भल्ला जी, मैं आपको बता दूं कि शायद गुरुपाल जी हैं, आज हो सकता है गुरुपाल जी का भी कथक नृत्य होगा,
तैयार हैं, जोरदार ताली बजा दो। और देवेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि भाई आपको विरासत को आगे बढ़ाना है तो कथक उथक तो आप दिखाएंगे ही आज, तो बोल रहे हैं कि मैं कथक नहीं करता लेकिन हमारी रानी साहिबा जो गाना गाती तो हैं। तो ऐसे सभी कला साधक हैं हमारे, उमेश अग्रवाल जी जिला भाजपा के अध्यक्ष, मैं समझता हूं गुरुपाल जी का साथ आप देंगे, तबला तो बजाते ही होंगे। और अभी मैं आया तो पता चला कि यहां जगन्नाथ पाणिगिरी हैं, पाणिगिरी हैं मतलब पाणिगिरी, और पानी गिर गया तो यहां पर है आदरणीय हमारे सोमवार श्रीकांत सोमवार जी, अरुणधार दीवान जी, सतीश बेहरा जी, उर्वशी उर्वशी जी कहां है आप, उर्वशी जी, उर्वशी जी और विजयाश्री जी आप देख लीजिए पिछले 5 साल में यहां के घुंघरू की आवाज, यहां तबले की आवाज, यहां सारंगी की आवाज न जाने कहां घूम गया था। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मोदी जी की गारंटी के तहत एक एक सांस्कृतिक आयोजनों को, सांस्कृतिक हमारी जितने विरासत हैं चाहे सांस्कृतिक कला है उनको आगे लगातार बढ़ाने का इस तरह से कार्यक्रम हम सब आयोजित होते करते रहेंगे। और इसलिए आज पिछले 5 साल के बाद को छोड़ दीजिए, आज तमाम सारे यहां पे कला साधक, कला प्रेमी और हमारे सांस्कृतिक संध्या के इस आयोजन का आनंद लेने वाले तमाम सारे श्रोतागण, देवी सज्जनों उपस्थित, हमारे पत्रकार मित्रों, सभी सज्जन प्रेम यहां उपस्थित हैं, आप सबको बीच में आज ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में या ये रायगढ़ राज ये घराना ये संगीत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जो भावना को भी आगे लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहा है। हम याद कर सकते हैं कि देश की आजादी के उस लड़ाई में जिस प्रकार से तिलक जी ने गणेश उत्सव के माध्यम से जिस प्रकार से देश भर में राष्ट्रीय भावना का जगाया, वही कला और संस्कृति के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का जिस प्रकार से लोगों को कैसे आपस में मिला सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले उन सब को मिला करके हम राष्ट्र सेवा में कैसे लोगों का उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इसको लेकर के जिस प्रकार से उस समय तिलक जी ने आगे बढ़ाया उसी प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि इस साधना को आगे बढ़ाने का, इस सांस्कृतिक कला को आगे बढ़ाने का ये रायगढ़ घराना मैं समझता हूं देश और दुनिया में जाना जाएगा। आज ऐसा क्षेत्र जिन्होंने इस रायगढ़ का ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, इस बाहुल क्षेत्र में भी इस कला के माध्यम से अभी आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें कला की साधना की, कला के लिए किस प्रकार से तपस्या किया, और तपस्या ही नहीं किया कि अलग कला साधक ही नहीं रहे बल्कि उस कला प्रेमियों को एक मंच ही ने दिया, बल्कि उस राज में आने वाले उनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया और प्रशिक्षण के साथ साथ देश में उसको कैसे प्रत्याशित, कैसे प्रतिष्ठित, कैसे किया जा सके ये भी मंच उन्होंने दिया। तो ऐसे महापुरुष का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज ये रायगढ़ का ही एक घराना है जिस घराना के माध्यम से देश के विभिन्न कलाओं का एक संगम आज होता है। आज अगर इसको कह सकते हैं कि ये सागर का रूप ले रहा है, इस सागर भी जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियों से लेकर के बड़ी बड़ी नदियों का जल समाहित होकर के वो सागर भरता है, और आज मैं कह सकता हूं कि ये सांस्कृतिक आज ये जो विरासत है, ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है,
कला का स्वर्गीय महाराजा जी का जो सोच था, उस सोच के माध्यम से देश और दुनिया में जिस प्रकार से जितने कला हैं, उन कला को यहां इस रायगढ़ में स्थापित करने का इसरो जो अवसर उन्होंने दिया और जो लगन लगा करके जिस प्रकार से काम किया, उस विरासत को आगे बढ़ाने का हम सबका दायित्व तो है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि आज इतना अच्छे माहौल में आज इन्होंने इतना अच्छा प्रयास करके ये कार्यक्रम किया है, और सबसे अधिक हमारे यहां के लाडले सपोर्ट भाई ओपी चौधरी जी को, जिन्होंने इसको बढ़ाया ही नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए उसमें क्या कमी रह सकती है, उसे कैसे आगे पूरा किया जा सकता है, ये मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा करके ही बता दिया कि किस प्रकार से हम रायगढ़ की विरासत को यहां स्वर्गीय महाराजा जी के उनकी सोच और कल्पना को साकार करते हुए इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा अवसर है और इसे हम सब, हमारी सरकार लगातार इसमें आगे बढ़ाते हुए ये लगातार एक कार्यक्रम करते रहेगी। मैं आप सबके बीच में और अधिक समय न लेते हुए, चूंकि आज देश और दुनिया में जिनका एक अलग पहचान है, अलग नाम है, ऐसे हमारे पद्मश्री आज लोकसभा में सांसद हैं आदरणीय हेमा मालिनी जी, जो सीने क्षेत्र में न जाने कितने उन्होंने उनके साथ उपलब्धियां जुड़ी हैं और न जाने कितने लोगों का दिल अभी धड़कता भी होगा कि कैसे एक झलक हम हेमा जी को हम देख सकें, उनकी आवाज सुन सकें। तो आज आप सब तो धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे इस मंच के माध्यम से उनकी आवाज ही नहीं सुनेंगे बल्कि उन्होंने किस प्रकार से कला की साधना की है, उस साधना को भी हम यहां स्पष्ट रूप से अभी साक्षात रूप से हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।